हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है आपके विज्ञान वर्ग में आपका स्वागत है। और अभी हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए हमें पहले इसके जो वर्ड्स हैं, ये दो वर्ड्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, इनका मीन पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक जो हमारा वर्ड है वो बना हुआ है प्रो एंड कैरियोट। यहाँ पर प्रो मीन्स होता है बिफोर, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। सो हम बोल सकते हैं प्रो कैरियोटिक जो सेल की बात कर रहे हैं वो बिफोर न्यूक्लियस, मतलब जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस डिस्कस नहीं होगा, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब अगर बात करें हमारे यू कैरियोटिक सेल की, तो ये जो बना हुआ है इसको स्प्लिट करते हैं टू पार्ट्स में, तो एक हो जाता है आपका यू एंड कैरियोट। यू मीन्स ट्रू और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। जिन सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है वो क्या हो जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हो जाते हैं। हम इनको डिस्कस करेंगे अभी, क्योंकि हमने जो अभी तक डिस्कस किया है वो क्या किया है, सेल स्ट्रक्चर को पढ़ा है। सेल क्या है, बॉडीज क्या है हमारी बॉडी में, हमें पता है हमारा बॉडी का क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट जो है वो सेल कहलाते हैं। सो सेल को हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, क्योंकि जितना भी सेल, जितने भी टाइप का जो सेल है, जितने भी लिविंग नॉन लिविंग बींग्स हैं, अगर हम इनकी बात करें, मोस्टली हम बात कर रहे हैं लिविंग बींग्स की, तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो पाए जाते हैं, जो नॉन लिविंग बींग्स हैं उनकी जो सेल्स हैं वो टू टाइप्स की होती है या टू कैटेगरी में रखी जाती है। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड यूकैरियोटिक सेल, जिसमें प्रोकैरियोटिक का मीन हमें पता चल गया है, प्रोकैरियोन मीन्स बिफोर न्यूक्लियस, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की बात नहीं करेंगे। और अगर बात करें यूकैरियोन की, तो ये ट्रू न्यूक्लियस वाली सेल्स होती है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो सबसे पहला अगर हम डिफरेंस लेकर चले तो वो हमारा हो जाता है स्मॉलर इन साइज। क्या मतलब, जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो साइज में छोटी होती है। फर्स्ट डिफरेंस हो रहा है आपका यूकैरियोटिक से, बिकॉज दीज सेल्स आर लार्ज इन साइज, या अगर कंपेयर करें तो लार्जर इन साइज कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वर्ड का जो मीन है वो आपको क्लियर हो चुका है, अब बस आपको डिफरेंस देखना है। तो दीज सेल्स आर स्मॉल इन साइज, दीज सेल्स आर लार्ज इन साइज। स्मॉल इन साइज होने की वजह से दीज सेल्स ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर, ये जो पाई जाती हैं इनको हम देखते हैं किस यूनिसेलुलर की फॉर्म में ही ये हमें मिलेंगे। और अगर हम बात करें जो आपका यूकैरियोटिक सेल है, बिकॉज दीज आर लार्जर इन साइज, सो दे आर प्रेजेंट आइदर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, बोथ टाइप ऑफ एनिमल्स बॉडी में ये पाए जाते हैं। ठीक, सेकेंड हो जाता है हमारा, थर्ड आता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए फ्लॉटिंग इन साइटोप्लाज्म। ये जो अगर हम बात करें हमें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो इसमें बिकॉज हमें नाम से पता चलता है बिफोर न्यूक्लियस, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही होगी, और हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए क्रोमोसोम्स जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं किसी भी सेल की, किसी भी बॉडी की, तो वो प्रेजेंट तो रहते हैं न्यूक्लियस में, बट हियर हम डिस्कस कर रहे हैं बिफोर न्यूक्लियस की। सो जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्लॉटिंग इन साइटोप्लाज्म, ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्लॉट करते हैं। ये मैंने कोशिश की है आपको डायग्राम के थ्रू बताने की, ये इसमें राइबोसोम्स हैं, ठीक है, और ये आपके क्या है, क्रोमोसोम। ठीक, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी कोई बाउंडेड बॉडी में नहीं होता है, फ्रीली प्लॉट करता है। वही अगर हम बात करें हमारे यूकैरियोटिक सेल की, तो इसमें क्या पाया जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसमें होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्रोमोसोम्स जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड्री बॉडी में पाए जाते हैं। सो थर्ड हमारा डिफरेंस है जेनेटिक मटेरियल डीएनए फ्लॉटिंग इन साइटोप्लाज्म, फ्रीली वर्ड हम यूज कर सकते हैं इसमें। ओके, एंड जेनेटिक मटेरियल आर प्रेजेंट इन सेपरेटली मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडी, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेपरेटली मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडी में पाया जाता है।
नेक्स्ट हम बात करें लाइक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग से ही चीज चल रही है, अभी तक वो क्लियरली आता है कि जो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की कमी होती है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू क्या वो सराउंडेड हो। ठीक है, तो लाइक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर, अगर यहाँ पर हम बात करें अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसमें क्या होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट करता है जो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। फिफ्थ हमारा आ जाता है वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ सेल। इसमें जो होता है जो राइबोसोम्स ग्रेड्यूल हैं वो पूरी सेल में आप बोल सकते हैं कि स्केटर्ड रहते हैं, और जो ऑर्गेनल्स हैं सेल ऑर्गेनल्स जो हमने डिस्कस किए थे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक गॉल्जी एपरेटस, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो दे आर नॉट फुली डेवलप्ड इन दिस टाइप ऑफ सेल। वो फुली डेवलप्ड नहीं होते हैं, इसलिए वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ सेल, इसलिए वो इसमें नहीं प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम बात करें आपका यूकैरियोटिक सेल की, तो ऑल ऑर्गेनल्स आर फुली डेवलप्ड, इसमें सारे ऑर्गेनल्स चाहे वो फूड वैक्यूल हो, चाहे वो फूड वैक्यूल हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम्स हो, सेंट्रोसोम्स हो, ऑल आर प्रेजेंट इन वेल डेवलप्ड वेल फुली डेवलप्ड फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें, एक चीज माइंड में रखिए कि यहाँ पर हम सिर्फ डिफरेंस को डिस्कस कर रहे हैं, और उनका जो डिस्क्राइब मैंने सेल स्ट्रक्चर में सारे जो ऑर्गेनल्स थे सबका जो फंक्शन है आप उसको जाकर देख सकते हैं, उसमें उसको डिस्क्राइब किया गया है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो सेल के पार्ट्स हैं उनका दोबारा से डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, बस दोनों टाइप में आपको डिफरेंस बता रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें आपको पहले से जो प्रीवियस वीडियो है उसमें क्लियर किया गया है। ओके, सो सिंपल एंड प्रिमिटिव इन नेचर, बिकॉज इसमें क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स वेल डेवलप्ड फॉर्म में नहीं होते, ना उनके उस टाइप के फंक्शन होते हैं, ये हमेशा यूनिसेलुलर या ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, स्मॉलर होता है सेल में, सो हम इस टाइप के सेल का जो नेचर है हम बोल सकते हैं दीज सेल्स आर सिंपल एंड प्रिमिटिव इन नेचर, ये सिंपल प्रिमिटिव नेचर में रहते हैं। अगर हम बात करें हमारे यूकैरियोटिक सेल की, तो हमें पता है इसके हर एक जो सेल ऑर्गेनल्स है वो क्या है आपका वेल डेवलप्ड है, उनका फंक्शन उसी तरीके से है, तो ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स नेचर, इसको हम बात अगर करें तो क्या बोल सकते हैं नेचर में कैसा होता है कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, एग्जाम्पल लें तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे हमारा एग्जाम्पल हो जाता है प्रोकैरियोटिक सेल का, स्मॉलर जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाता है उसमें, एंड बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे को छोड़कर, ठीक है, फिर से ध्यान से रख लीजिए, फिंगर्स पे काउंट कर लीजिए, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे को छोड़कर जितने भी आपके एनिमल्स ऑर्गेनिज्म प्लांट आते हैं वो सारे आपके आते हैं इसमें यूकैरियोटिक सेल में, जिसमें एक ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो जाती है। यहाँ से एक और चीज मैं आपको डिस्कस करना चाहती थी, क्योंकि ये वेल डेवलप्ड नहीं है वो वेल डेवलप्ड है, इससे क्या प्रूफ होता है कि आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो उससे ही डेवलप होकर यूकैरियोटिक सेल का सेल जो है वो फॉर्म हुआ है, उस ओरिजिनेट हुआ है वहाँ से। तो ये क्या है, ये इसका ओरिजिन जो टाइम जो है अगर तो यूकैरियोटिक सेल के कंपेरिजन में थाउजेंड्स मिलियंस ईयर्स आई थिंक जो है वो डिफरेंस है दोनों के टाइम पीरियड में, ठीक है, तो वो हो जाता है, मतलब ये क्या होगा ओल्डेस्ट सेल होगा जो स्टार्टिंग में जो आपका ओरिजिनेट हुआ होगा, और ये आपका क्या हो जाता है उसके बाद जब डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद यूकैरियोटिक सेल का सेल हमारा फॉर्म हुआ, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस आपका क्लियर हो जाता है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्या इनमें मतलब हमारा कुछ डिफरेंस है, कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप इसको पढ़िए, ये इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक शेयर कमेंट।